अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़े और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें। हाफ प्याज जो है मैंने, यानी कि आप एक मीडियम साइज का प्याज ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ पेस्ट बना लूँगी जल्दी जल्दी और बाकी बातें हम करेंगे बाद में। अब हम इसमें ये तीन बड़े बड़े टमाटर भी डाल देंगे, इसकी भी हम पेस्ट बना लेंगे। मैं सुनो, ओके, ब्लेंडर ऑन हो और मिशी ना आए ये नहीं हो सकता। मिशी आ गया इधर, हमारे स्पेशल गेस्ट आ गया इधर। स्पेशल गेस्ट इधर आए, आप अपनी बातें कर लिए जरा सबसे। ना ये अनियन है एंड गार्लिक एंड जिंजर है। ये नहीं है लेकिन वैसे अच्छी स्मेल नहीं है इसकी। बातें तो करो उसमें। बेबी देखो जाके कैमरा में, देखो बेबी है इसमें। अभी मैंने ब्लेंडर ऑन करना है, ब्लेंडर ऑन करना है अभी मामा ने। ओके भैया का है वो फा। भूख लग रही है आपको? आपको भूख लग रही है? ये ब्लेंडर को वॉश करने की टिप है, मैंने इसमें सादे पानी से इसको धो के, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है प्याज की स्मेल है, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दूँगी, बस इतना सा काफ़ी है। और अब मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी तो ये बहुत अच्छे से रिंस हो जाएगा। और बस इसको अब मैं वॉश कर लूँगी। तो बन रहा है मेरे किचन में आज बहुत मज़े का खाना, जो कि है कढ़ी पकोड़ा, और इसको हम राइस के साथ खाएंगे। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है और ठंडे ऑयल में ही मैंने साथ ही प्याज की पेस्ट डाल दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ठंडे ऑयल में इस वजह से क्योंकि अगर ऑयल गर्म गर्म होगा और आप प्याज की पेस्ट डालेंगे तो जो न्यू है किचन में उनके लिए आइडिया दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ सकती हैं और नुकसानदेह हो सकता है, तो इस वजह से मैंने ठंडे ऑयल में डाल दिया था। और अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसके अंदर डाल दी है टमाटर की पेस्ट। और इन सब चीज़ों की पेस्ट मैंने इसलिए बना ली है कि ताकि बिल्कुल क्रीमी सी जो कढ़ी है वो बने और बिल्कुल भी ग्रेनी सी, ग्रैन्यूलर सी ना हो, तो बहुत बिल्कुल अच्छी सी मज़े की बनेगी इस तरह। अगर आप चाहें तो प्याज टमाटर वगैरह के इकट्ठे भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका वो फ़्लेवर नहीं आता जो कि अलग अलग से हर चीज़ को भूनने का फ्लेवर आता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे खाने का टेस्ट जो है ना वो एकदम से चेंज हो जाता है और बहुत टेस्टी हो जाता है। तो ये जो मैंने अपने ग्रीन स्टोर किए थे ये मैंने आपको दिखाए थे, और ये इसमें से मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली हैं। और अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी पकोड़ा के लिए जो पकोड़े होते हैं, और थोड़े से एक्स्ट्रा भी मैं बना रही हूँ क्योंकि शहज़ाद वैसे भी खाना पसंद करते हैं उनके साथ कढ़ी के साथ। तो लास्ट में आप देखेंगे कि टेबल पे सादे पकोड़े भी पड़े होंगे, हालांकि ये वाले पकौड़े जो हैं वो सॉफ्ट से होते हैं क्योंकि उसके अंदर मैंने मीठा सोडा डाला होता है, लेकिन शहज़ाद को ये खाने अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए बस कोई ख़ास इन्ग्रीडियंट्स नहीं है, सारे घर पर ईज़िली मिल जाते हैं। कढ़ी पकौड़ा बहुत ईजी चीज़ है और बहुत मज़े की चीज़ है, जब चाहें बन जाती है, और मेरे घर में आई थिंक कोई साल के बाद बन रही है। तो खैर ये मैंने प्याज काट लिए हैं, चॉप कर लिए हैं, साथ में है धनिया, और ये आलू मैंने चॉप कर लिए हैं, और इसके अलावा हरी मिर्चें, ये सारी सब्जियां इसके अंदर जाएंगी। आप चाहें तो आपके पास पालक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली कढ़ी पकौड़ा में पालक नहीं पसंद है, मुझे बस इसी तरह से ही पसंद है, अगर पालक हो भी तो मैं इसमें ऐड नहीं करती। और ये देखिए मसाला, इसको हमने ढक्कन दे के रख दिया था पकने के लिए, मतलब ड्राई होने के लिए पानी, और ये अच्छी तरह से ये देखिए भुन गया है और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। तो अब हम इसके अंदर बाकी प्रोसीजर करेंगे। अभी मैंने क्या किया है कि बेसन ले लिया है और इसको मैं छान रही हूँ, साफ़ ही होता है, बस एक जैसे कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है दिल की तसल्ली के लिए। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ योगर्ट, यूजुअली आप ऐसे कर सकते हैं कि जितना भी आप बेसन लेते हैं उससे डबल योगर्ट आप डाल सकते हैं, मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। तो ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ये सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी इंशाल्लाह। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया है और ऑयल रिलीज़ हो गया है,
और अब ये देखें सारा मसाला भुन गया है और ऑयल जो है वो किनारों से रिलीज हो रहा है। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं कढ़ी में, मैं ज़रा कम ही डालती हूँ। तो मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्चें चॉप की हुई, और साथ में अब सारे स्पाइसेस जाएंगे जो पाउडर स्पाइसेस हैं, जिसमें है नमक, हरी लाल मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। हल्दी जो है वो मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कढ़ी जो है वो येलो कलर की होनी चाहिए, तो हल्दी से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। और वैसे भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती हैं इसके अंदर, तो आजकल हल्दी कुछ ज्यादा ही हुई भी है मेरे हर खाने में। तो खैर यहाँ पे अब हम ये जो बेसन वाला इसका मिक्सचर है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ पानी डालती जाऊंगी इसको अच्छा सा। ऐसे आपने मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म की भी लम्स ना रहे। कढ़ी बनानी बहुत ही आसान होती है, और जब मैंने नई नई कुकिंग सीखी थी तो मुझे लगता था कि कढ़ी से मुश्किल चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। एक कढ़ी और एक जर्दा मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कुकिंग के स्टार्ट में आपको क्या चीज़ें मुश्किल लगती थी। और अब ये है कि मैंने ये सारा जो दही और बेसन था ये मैंने डाल दिया है, और 5 से 6 गिलास पानी डाल दूंगी, या फिर आप जो भी कप में ले रहे हैं बेसन वगैरह उसके हिसाब से आप देख सकते हैं पानी कम ज़्यादा हो सकता है। और बस आपने इसको पतला सा कर लेना, और उसके बाद इसको आपने ढक्कन दे के पकने के लिए रख देना है अच्छी तरह। 1 घंटा तो ये आराम से पकती रहे ताकि बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाएँ। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप ये बनाएंगे कढ़ी, तो इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई है, लाल मिर्च भी डाली हुई है, तो लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिर्च कम है तो आप और भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हरी मिर्च भी अब पक रही है उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पाइस भी बढ़ जाएगी, वो आप लास्ट में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था बेसन, बेसन के अंदर मैंने धनिया और डाल दी है थोड़ी सी प्याज और आलू, हरी मिर्चें, बस ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अब इसमें जाएंगे पाउडर्ड स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने डाल दिया है नमक, उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, और साथ में मैंने डाल दिया है इसमें भी हल्दी। और ये गया इसमें साबुत जीरा, और साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर, आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं पकौड़े के अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ प्याज डालते हैं, या कुछ लोग बाकी चीज़ें डाल लेते हैं लेकिन आलू नहीं डालते। तो ये सब अपनी पर्सनल चॉइस होती है, जैसे जैसे पसंद हो उस तरह से किया जा सकता है। किचन में खाना बनाने का मज़ा ही तब आता है जब अपनी मर्जी से चीज़ों को, रेसिपीज़ को एडजस्ट कर लिया जाए और अपने टेस्ट के मुताबिक बना लिया जाए। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और अपनी मर्जी की आप कंसिस्टेंसी ठीक से रख लें जिसमें आप पकोड़े जो हैं वो बनाएंगे। अब ये होता है कि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि पकोड़े जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। एक तो ये कि आपने जब पानी डालना है बेसन में, तो आपने बहुत अच्छा सा फेंटना है, बीट करना है इसको, बैटर को अच्छी तरह से ना आपने इस तरह ये देखें फेंट लेना है। फिर दूसरी टिप ये है कि फेंटने के बाद आपने इसमें डालना है मीठा सोडा, ये मैंने डाला है बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर नहीं सोडा, और ये मैंने 1/4 सा टीस्पून डाला है। और उसके बाद मैंने दोबारा बहुत अच्छे से बीट किया है, 3-4 मिनट में बीट करती रही हूँ, और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पकोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। टिप नंबर 3 ये है कि आपने डीप ऑयल में पकोड़े जो हैं वो फ्राई नहीं करने हैं, आपने इस तरह से ऑयल लेना है ताकि फ्लैट पकोड़े बने, तो फिर उनके ना वो हार्ड होने का चांस बहुत कम होता है। तो ये टिप्स तो मैं आपको ऐसे दे रही हूँ जैसे कि हम रसमलाई बना रहे हैं। कढ़ी पकौड़ा बहुत आसान होता है, बस इसमें ये जितना बीट कर लेंगे उसको उतना ही अच्छा है। और एक और चीज़, एक और टिप मेरे जहन में आई है, वो ये होती है कि जब आप बेकिंग सोडा डाल लेते हैं ना, तो फिर आपने ज़्यादा देर बैटर को रखना नहीं होता, बस ये पकौड़े बन गए इसके बाद फ़ौरन आप दूसरे पकौड़े डालें। ये नहीं कि आपने बेकिंग सोडा डाल के आधा घंटा वगैरह रख देना आपने पकौड़ों को, क्योंकि एक तो उनका साइज़ बहुत एक्स्ट्रा ही फूल जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट हो जाएंगे, और दूसरा ये कि उनके अंदर फिर सोडा का टेस्ट भी आने का डर होता है। तो ये है कि बस 2-3 ये चीज़ें हैं, और कढ़ी पकौड़ा के जो पकौड़े हैं वो बेस्ट किस्म के बन जाते हैं। अब ये जो पकौड़े हैं ये क्रंची भी हैं लेकिन थोड़े थोड़े से फूले हुए भी हैं, तो जब ये कढ़ी में पकेंगे तो बहुत से मुलायम से सॉफ्ट से हो जाएंगे, और ये देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा कढ़ी पकौड़ा बना लूँ।
बाय द वे यहाँ पे इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी विस्पर से आपको पता चल रहा होगा। तो ये देखें, ये कढ़ी जो है ना, ये पक के रेडी होगी, और इसकी निशानी ये है कि एक तो ये मज़े से घंटा पूरा पकी है, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो मैंने ऑयल डाला था वो देखें ऊपर आना शुरू हो गया था। आई एम सॉरी, कैमरा इतना शेक हो रहा था, मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह दिखाऊँ, क्योंकि ऑयल बहुत थोड़ा डालती हूँ तो इस वजह से। अब पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैंने जो ये कढ़ी बनाई है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो आपको जो मैं रेसिपी दूंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। और ये देखिए, पकोड़ों का भी मैंने ढेर बनाया हुआ है क्योंकि इतने अरसे बाद बन रही थी, तो शहज़ाद का आपको पता है, जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जो चीज़ शहज़ाद को अच्छी लगती है वो मुझसे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनवाते हैं, और मैं भी बना देती हूँ। मुझे पता है कि उन्होंने दिन रात बस वही खाते रहने और ख़त्म कर लेनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट नहीं होती। अब ये कढ़ी में मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, और 10 से 15 मिनट जो है वो इसको हम इसी तरह नॉर्मल से थोड़ा सा कम फ्लेम है और उस पर हम पकने देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और साथ में मैंने थोड़े से प्याज काट लिए थे, उनको मैंने लगा लिया नमक, और आगे मैं दिखाऊंगी कि मैं इनके साथ क्या करूंगी। ये देखें, ये राइस कुकर में मैंने राइस बनाए हैं और कितने अच्छे बनते हैं। ये देखें, एक एक दाना जो है ना राइस का खिला खिला है। और बस उसके बाद ये कि जब रेडी हो जाता है मैं इस तरह से इनको खोल लेती हूँ ताकि ये स्टीम से मजीद ना पकते जाएं या सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखें कितने प्यारे हैं, ये देखें एक एक दाना पूरा पूरा है। तो आज थोड़ी सी राइस कुकर की दे देते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस बारे में बहुत लोग पूछते हैं। तो ये है फिलिप्स ब्रांड का, और अब इसकी कैपेसिटी कितनी है वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो कहीं नहीं लिखी हुई। हाँ, ये है इसकी कैपेसिटी, तो खैर इधर भी नहीं लिखी हुई, लेकिन इसके अंदर जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर 10 कप्स ऑफ राइस इसके अंदर आ सकते हैं, तो 10 कप बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इसमें कॉन्गी बन सकती है, सूप बन सकता है, और स्टीम कर सकते हैं इसमें आप चिकन वगैरह को। इसके साथ एक मिलता है स्टीमर, वो जो है ना एक लिड मिलती है और इसके अंदर ऐसे होल्स होते हैं, उसको इसके ऊपर रख देते हैं, कंटेनर टाइप ही है वो भी, तो ऊपर चिकन रख दें, नीचे राइस बन रहे हो तो वो चिकन का भी एक्सट्रैक्ट आता है राइस में, बड़े मज़े की वो मंदी टाइप बन जाती है, वो भी किसी दिन ट्राई करूँगी। केक भी बन जाता है, और रीहीट भी आप इसमें रख के चीज़ों को कर सकते हैं। उसके अलावा टाइमिंग है डिफरेंट, स्टैंडर्ड कुक है, क्विक कुक, मैं अल्ट्रा क्विक कुक पर करती हूँ, और फिर क्ले पॉट राइस, तो ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। उसके ऊपर ये वेंट है सूप वगैरह के लिए, यहाँ करना है राइस के लिए, ये है कॉन्गी के लिए इस तरह, और ओपन आपने करना है सारा कि सारी हवा निकल जाए, तो यहाँ पे कर दें, तो मैं इसको राइस पे ही रखती हूँ। इसके अलावा कीप वार्म का फंक्शन होता है, राइस बना के आप उसे गर्म रखने के लिए कीप वार्म को प्रेस कर दें, लेकिन मैंने देखा कीप वार्म करने से जो है ना वो राइस टूट जाते हैं, तो ये मैंने निकाल के इनको थोड़ा सा खोल लिया, और मैं सोच रही हूँ कि अभी से ना इनको कंटेनर में रख लूँ ताकि मेरा सारा किचन का काम ख़त्म हो जाए। बर्तन मैंने काफ़ी हद तक धो लिए, बस सिंक वगैरह क्लीन अप करना है, जो कि लास्ट में करूँगी लंच के बर्तन धो के। तो ये है जी मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरे लिए शहज़ाद ने मंगवाए थे और बड़े अरसे से पेंडिंग पड़े हुए थे, ये आ ही नहीं रहे थे क्योंकि सऊदी पोस्ट वो अलाउ नहीं कर रही थी, यहाँ पहुँच गए थे, ये पता नहीं कौन से कंट्री से आए हैं, नीदरलैंड से आए हैं, और ये शहज़ाद ने मेरे लिए S10 के कवर्स मंगवाए हैं, बहुत प्यारा है ये कवर। और एक ये है इस तरह का, मेरा S9+ के ऊपर भी था, अभी भी है उसके ऊपर पर्पल कलर का, और एक ये है जिसके साथ ये होल्डर भी है, ये मुझे बहुत इस तरह का अच्छा लगता था, और मैं अपने फ़ोन पे ये वाला लगाऊंगी। इसके अलावा शहज़ाद ने अपनी जो एप्पल वॉच है उसके लिए स्ट्रैप्स मंगवाए हैं, बड़े प्यारे हैं ये, तो जब लगाएंगे शहज़ाद तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें अभी ना, जब तक कढ़ी तैयार हो रही है, कढ़ी में मैंने पकौड़े डाल दिए और अब वो ना बस रेडी हो रही है, पक रही है। वाओ, ये साइड्स पे सारे स्टोन्स हैं, और ये पीछे इसका होल्डर है जहाँ से पकड़ के फ़ोन गिरता नहीं है फिर, तो इसको अभी लगा लेते हैं। वाओ, इसके पीछे था, ये देखो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ओ मिशु, मिशु नो मिशु ने कैमरा गिरा दी थी, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं हम, और आप ये भी लगा सकते हैं। नाइस, वाओ नाइस, मैं ये लगाऊंगी इसके साथ। बाबा की फीस है शुरू नहीं। मम्मा ये क्या है? क्या बेटा ये किसका है? क्या ये रोज़ा? ये बाबा की ना, वो एप्पल वॉच का स्ट्रैप है। अच्छा स्ट्रैप है मामा।
तो ये मैं अपने फ़ोन पे लगा लेती हूँ। ये है इसका पता नहीं क्या कलर का, इसका नाम था आइस ब्लू आइस वाइट के क्या नहीं, क्रिस्टल कुछ, नहीं, कुछ ऐसे करते थे। बड़ा प्यारा नाम था ये गैलेक्सी समथिंग वाइट है और इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं देखें, बड़ा प्यारा ये। ये मेरा नहीं, इसके ही उतार देते हैं। अच्छा वेरी वेरी नाइस ये देखें, प्यारा लग रहा है। क्या कर रहे हो? I just love it. नाइस है ना? बहुत अच्छा है। मैं भी देख देख लो मिशु दे दो। थैंक यू मिशी को भी दिखा दें। वन मिनट मिशी आपने फोन गिराना नहीं है, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगी। हेलो है, हाँ जी हेलो। ये क्या है मिशी कह रहे, ये क्या है हेलो? तो ये नो 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 नो, मैंने कहा फोन गिरा तो मैं आपको गिरा दूंगी। गुड बॉय खूब। तो ये जो राइस कुकर था आई थिंक 300+ रियाल्स का हमने लिया था। तो ये आप किसी भी अपने करीबी शॉप पे, जिस भी कंट्री में हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे पता कर सकते हैं। और ये देखें प्याज मैंने 5-10 मिनट रख दिए थे जब तक पकोड़े जो है वो उसके अंदर पक रहे थे, और उनके अंदर उसके बाद मैंने अच्छे से उनको इस तरह से निचोड़ लिया है, पानी निकाल दिया उनका स्क्वीज़ करके। और स्क्वीज़ करने से ये भी होता है कि ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं प्याज। अब इनमें लास्ट में इनके ऊपर मैं लेमन डाल दूँगी, और बर्तन सारे जो हैं वो सादे पानी से मैं वॉश करके तो इस तरफ रखती जा रही हूँ ताकि बाद में मैं डिश वॉशर में अरेंज कर सकूँ। तो इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है, किचन साथ साथ रैप अप होता जाता है। और थोड़ा सा मैं ऑयल ले ली हूँ, ऑयल मैंने सेम ले लिया है जिनमें मैंने पकोड़े बनाए थे, और इसके अंदर अब मैं तड़का बना लूँगी। तड़का के लिए मैंने ज़ीरा ले लिया है और साथ में ले ली है गोल वाली लाल मिर्च, और आप चाहें तो लंबी वाली लाल मिर्च भी ले सकते हैं। इसमें आप ताज़ी हरी मिर्च का भी तड़का लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर ऑयल को रेड कलर देना है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जब बिल्कुल चूल्हे से हटा देते हैं तो इसी तरह ऊपर ड्रिजल करने से पहले आप ये डाल सकते हैं लाल मिर्च, तो उससे रेड कलर का ऑयल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा धनिया और लाल ग्रीन मिर्च मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और देखें कितनी मज़ेदार किस्म की लग रही है। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि जिन्होंने कढ़ी कभी नहीं बनाई है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक तो टेस्ट इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा, और दूसरी बात के पकोड़े बहुत सॉफ्ट होंगे। और बस ये था हमारा डिनर, साथ में शहजाद ने पकोड़े रखे हुए थे, और साथ में जो है वो प्याज हमें बहुत मज़ा आता है कढ़ी के साथ, लेमन वाले ये प्याज जिस तरह से मैं बनाती हूँ हमें बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पे मिशाली ने बहुत मज़ेदार काम किया था, मिशाली ने जो है इस तरह से करना शुरू कर दिया है। इस इशारे को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना हम ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, तो उस तरह से बनाता है ऐसे। तो ये था हमारा लंच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मिशारी भी काफ़ी हद तक शौक से खाना खाता है हमारे साथ बैठ के। और मुझे याद आया तिहामी की बार जो है ना, मैंने बहुत लार्ज से उसको ना ख़राब कर दिया था, इस तरह से कि मैं खाना उसको खुद खिलाती थी, जिस वजह से 5 साल तक भी उसको आदत नहीं पड़ी थी खुद से खाना खाने की। वो बहुत ज़्यादा तंग करता था खाना खाने में। उसके अलावा फिर उसको मैंने स्पाइसी फूड नहीं, उसके लिए हमेशा मैं अलग बनाती थी कि नहीं नहीं मिर्च नहीं उसको देनी, उसका पेट ख़राब हो जाएगा, जिस वजह से उसको स्पाइस खाने की आदत नहीं पड़ी थी और मेरी लाइफ काफ़ी मुश्किल हो गई थी कि वो कुछ भी नहीं खाता था। और फिर तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने उसको जो ब्रेड की क्रस्ट खुद ही से काट के, कि बच्चा है क्रस्ट नहीं खाई जाएगी, तो मैंने उसको नहीं दी थी। और ये तीनों चीज़ें मैं तिहामी मिशारी की दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, तो मिशारी अपना खाना भी खुद खाता है, स्पाइसी फूड भी खा लेता है, ब्रेड की क्रस्ट भी खा लेता है, और प्याज भी आप देखें डाल के वो खाने की कोशिश कर रहा है। तो बस यही होता है कि बहुत मज़े की इससे मेरे जहन में एक बात आई है कि हम जब फ्रेंड्स डिस्कशन करते हैं तो मैं एक बात कहती होती हूँ अक्सर, मैं कहती हूँ कि हम लोगों की एज जो है ना शादी से पहले ये होना चाहिए कि हाँ भी एज कितने साल की एज है आपकी, शादी के बाद ये होना चाहिए कि आपकी नौश आपकी एज कितनी है। मैं बताऊँ मेरी एज है 2 बच्चे। क्योंकि जिनकी एज
मतलब जिनके बच्चे थोड़े होते हैं शादी के बाद ये मैटर कर रहा होता है, हमारे लिए हमारी एजेस नहीं रह जाती हैं, कितनी देर तक हम ये कहते रहेंगे कि जी मेरी एज तो इतनी सी है बस, मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन बच्चे कितने हैं, बच्चे 4। दूसरी तरफ जिनकी एज ज़्यादा भी हो बच्चे कितने हैं, बच्चा 1 है। तो मैटर ये नहीं करता कि आपकी एज कितनी हो चुकी है, मैटर ये करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और आप अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे लेके चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि शादी के बाद ना ये पूछना चाहिए आपकी एज कितनी है, जी मेरी एज है दी 2 बच्चे। तो डिपेंड करता है, जिसकी एज 4 बच्चे है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसकी एज 2 बच्चे है उसका एक्सपीरियंस कम है। तो खैर आप बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और खैर तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाटरमेलन का जूस, नेक्स्ट टाइम मैं वाटरमेलन लाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े वाटरमेलन मिलते हैं कि उनको ख़त्म करना एक मसला हो जाता है। तो जब हम वाटरमेलन लाते हैं तो मैं और तेहामी तो शौक से खाते हैं वाटरमेलन, और शराज जो है वो उसका जूस पीना पसंद करते हैं। तो मिशारी भी जो है मैंने देखा है कि वो भी खाना पसंद करता है, वो भी जूस इतना लाइक नहीं करता। तो जूस में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैं वाटरमेलन जो है वो उसको ब्लेंड करती हूँ पानी के साथ और बस उसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेती हूँ। जूसर तो है मेरे पास लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारा फाइबर जो है ना उसमें ही रह जाता है, जिस वजह से काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर ब्लेंड करके तो इसका जूस बना लेती हूँ। और ये वाला वाटरमेलन इतना रेड नहीं था जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, लेकिन चलें गुजारा हो गया था। थोड़ी सी मुझे सलाद के लिए इसमें शुगर भी डालनी पड़ी थी, लेकिन यह कि खाया गया था। तो अभी वेदर आएगा, अच्छा वाला सीज़न आएगा तो फिर मज़े का वाटरमेलन मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और अल्लाह से दुआ है कि ये वायरस जो है इस दुनिया से चला जाए, और जब तक नहीं जाता है तब तक अब दुनिया का ट्रेंड जो है वो क्वारंटीन और लॉकडाउन से निकल के तो सर्वाइवल की तरफ हो गया है और इम्यूनिटी बूस्ट करने की तरफ हो गया है। तो मैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए क्या एफर्ट्स और क्या स्ट्रगल्स कर रही हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी, 2-3 वीडियोस के बाद, क्योंकि वो पाइल अप हो चुकी हैं। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर आप भी मुझे बताइएगा कि आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह हमें एक दूसरे से बहुत गाइडेंस मिलती है और अच्छा लगता है। तो चलें जी इस वीडियो को करते हैं एंड, आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।